हाय गाइस, स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम किस तरह से अपनी किसी ईमेल को व्हाट्सएप पर किसी के साथ शेयर कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, उसके लिए मैं सबसे पहले यहां पर अपनी जीमेल की एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूं और यहां से मैं कोई एक ईमेल सिलेक्ट कर लेता हूं जो मैं व्हाट्सएप पर सेंड करना चाहता हूँ। चलिए देखिए, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक ईमेल ओपन कर ली है और आप इसमें देख सकते हैं ये गूगल की तरफ से आई हुई ईमेल है। मैं इसको व्हाट्सएप पर शेयर करना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे सिंपली कुछ भी नहीं करना है। देखिए, यहां तीन डॉट्स के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। जैसे तीन डॉट्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर मुझे प्रिंट का एक ऑप्शन आता है ना। जैसे मैं प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो जो ये पूरी ईमेल थी इसकी एक PDF क्रिएट हो जाएगी। आप देख सकते हैं इसके दो पेज क्रिएट हुए हैं और अगर ईमेल ज़्यादा बड़ी होगी तो इसी हिसाब से यहाँ पर पेज क्रिएट हो जाएंगे। पूरी ईमेल की एक PDF बन जाएगी और इस PDF को आप इजीली सेंड कर पाएंगे। PDF क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मुझे PDF का बटन मिलता है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा और क्लिक करने के बाद जहाँ पर भी आपको इस PDF को सेव करना हो वहाँ पर इसको आप सेव कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं कोई एक फोल्डर नया बनाता हूँ, ये मैं लेता हूँ क्रिएट, ठीक है, PDF। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लिया। इस फोल्डर के अंदर मैं इस PDF को सेव करना चाहता हूँ, तो इस फोल्डर को मैंने सिलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ सेव के बटन पर क्लिक कर दिया। अब देखिए PDF हमारी सेव हो चुकी है। अब इस PDF को हम इजीली व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। ये आप जानते ही हैं कैसे PDF को व्हाट्सएप पर शेयर किया जाता है। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, या तो आप पहले व्हाट्सएप को ओपन कर लें और जहाँ पर भी आपको जिस भी कॉन्टैक्ट पर आपको ये भेजनी है उसको आप सिलेक्ट कर लें। अब देखिए मेरे पास में मान लीजिए मेरा ये जियो का नंबर है, मैं इसी पर इस PDF को सेंड करना चाहता हूँ, तो मैंने ये व्हाट्सएप को ओपन कर लिया और यहाँ पे मुझे एक लिंक करने का आइकन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक कर दिया और डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर दिया और उसके बाद देखिए ये मेरे सामने मेरे मोबाइल की इंटरनल स्टोरेज ओपन हो गई है और मैं यहाँ पे उसी फाइल को सिलेक्ट कर लूँगा जो अभी मैंने यहाँ PDF क्रिएट की थी। उसके लिए मैं यहाँ पे मोबाइल की इंटरनल स्टोरेज को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था क्रिएट PDF के नाम से, उसको ओपन कर लूँगा और ये रही हमारी PDF फाइल। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और ये आप देख सकते हैं ये फाइल हमारी यहाँ पे जा चुकी है, ये फाइल हमने व्हाट्सएप कर दी है। दूसरा तरीका ये है, आप डायरेक्टली यहाँ फाइल मैनेजर में जाएं और यहाँ पे उस फोल्डर को सिलेक्ट करें जिस फोल्डर में आपने अभी ईमेल की PDF क्रिएट की थी। ये मेरा हो रहा क्रिएट PDF। ये देखिए जैसे ही आप इस फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे आप शेयर का बटन देखेंगे, आपको डायरेक्टली शेयर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको व्हाट्सएप को चूज़ करना है और अब आपको व्हाट्सएप में उस कॉन्टैक्ट को चूज़ करना है जिसके पास आपको ये PDF ये ईमेल की PDF सेंड करनी है। तो मैं यहीं पर सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद सेंड कर दूँगा। तो देखिए इस तरह से भी आप PDF फाइल को सेंड कर सकते हैं। तो देखिए हमने सिंपल सा अपने किसी भी ईमेल को पहले PDF में कन्वर्ट किया और उस PDF को हम इजीली व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं, वो हमने आपको करके भी दिखा दिया है। तो इस तरह से आप किसी भी ईमेल को व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जैसे ही हमारे चैनल पर कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और वीडियो आपसे मिस ना हो।